हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डमैन। और आज हम बात करने वाले हैं कॉमन मैथ के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने सीख लिया था कि दशमलव का किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं, किस प्रकार से गुना करते हैं और किस प्रकार से भाग करते हैं। उसी के बेसिस पर कुछ न्यू मैथ और आ रहा है फ्रेंड्स, जिसका नाम क्या है, कॉमन मैथ। चलिए शुरू देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। बहुत ही बेसिक है, मैंने आपको जो तरीका सिखाया था ना, सिर्फ उसके अनुसार ही बनने वाला है। देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 0.1 0.1 0.1 गुना करना है और फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको गुना करके आपस में घटाना है। तो मैंने आपको गुना करने का तरीका सिखाया था कि दशमलव को मत देखिए, सिर्फ नंबर को देखिए कि दशमलव के बाद कौन सा नंबर दिया हुआ है। दशमलव को हटा करके नंबर देखें तो यहाँ पे क्या सिर्फ वन है, तो अगर हम वन को वन से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ वन ही आएगा ना। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, गुना करने पर तो हमारा वन आ गया। लेकिन अब ये बताइए हमको कि देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक है, तो एक यहाँ है, दो यहाँ है, तीन यहाँ, यानी तीन अंक है दशमलव के बाद। यानी हमको तीन अंक के पहले क्या करना पड़ेगा, दशमलव देना पड़ेगा। उल्टा काम करते हैं, एक ये हो गया, दो तीन, और यहाँ पे दशमलव बैठा दिए। अब यहाँ देखिए करते घटा गुना करते हैं तो यहाँ भी क्या, वन वन वन, यहाँ भी देखिए गुना करने पर वन ही आने वाला है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे गुना करके वन। लेकिन घटाना कैसे है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद दो अंक है, यहाँ भी दो अंक है, यहाँ भी दो अंक है, तो कितना अंक होगा टोटल मिलाकर हो गया आपका छः अंक। यानी हमको क्या करना है, इस छः अंक के पहले क्या करना है, दशमलव बैठा देना है। तो एक दो तीन चार पाँच छ हो गया आपका ये सॉल्व। अब इसको आप घटाना सीख, इसको आप घटा लीजिए, मैंने आपको घटाना सिखाया था। देखिए कैसे घटाते हैं, इससे घटाना ना लिखिए 0.001, ठीक है, नीचे में इसको लिखना है। कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, तो दशमलव के नीचे आपको दशमलव देना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पर, और फिर कितना अंक है, तो एक दो तीन चार पाँच, एक छः हो गया, तो एक दो तीन चार पाँच और ये हो गया छः, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो जीरो होगा, कुछ नहीं, यानी क्या जीरो बच जाएगा यहाँ पे, तो जीरो 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 हो गया। घटाइए कितना बचता है, तो दस में एक गया बचा नौ, यहाँ भी एक गया तो बचा नौ, और यहाँ भी बचा तो क्या हो गया नौ, और ये क्या हो गया जीरो। अब यहाँ पे क्या सब देखा जीरो जीरो हो गया, आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0.00099। जब चेक कर लेते हैं तो 9 1 10 9 1 10 9 1 10 बचात में एक, और यहाँ हो गया एक, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए कैसे करना है, यहाँ पर आपको गुना करना है। अब यहाँ पे क्या देखिए, दो दे दिया गया है तो क्या डरना थोड़ी ना, मैंने वो तरीका सिखा दिया ना, बस करिए गुना। कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी छः यहाँ पे दो है, तो दो को करते हैं छः से गुना, तो एक दो तीन चार पाँच छः, कितना हो गया गुना करने पे, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, बत्तीस दुनी 64, ठीक है, चौदह आ गया गुना करने पे। अब गिनिए कि दशमलव के बाद कितना अंक था, तो एक यहाँ है, दो तीन, ठीक है, चार पाँच छः सात आठ नौ, यानी देखिए दशमलव के बाद फिर कितना अंक हो गया, नौ अंक हो गया, हुआ ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नौ अंक के पहले दशमलव बैठाना पड़ेगा, इसमें हमारा दो अंक दिया हुआ 64, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, तो इसका आंसर आपका ये आएगा फ्रेंड्स। अच्छे से समझ लीजिए, अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिए। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि मेरे एक भाई का ये कॉल आया था, उन्होंने मुझे ये बताया कि आप ये बना रहे हो पूरा क्लास 10 तक का मैथ बना रहे हो, अर्चना का सॉल्व कर ही रहे हो, तो क्यों ना आप ऐसा कीजिए कि आप बेसिक वाला भी स्टार्ट कर दीजिए, मतलब कि जिसमें क्लास 1 से लेकर 5 तक देखे दिया गया है ना, तो आप वो बेसिक भी स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट लोग आपके चैनल पर आएंगे तो उनको पूरा 1 क्लास से लेकर के पूरा 10th क्लास तक का सबको एक ही जगह मिल जाएगा, तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि उन्हें भटकना ना पड़े। तो मैंने ये सोचा फ्रेंड्स कि जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा क्लास 7 का, वैसे ही मैं चला जाऊंगा कहाँ, बेसिक वाले पे, क्योंकि एक कमेंट मेरा भी आया था, एक कमेंट आया था फ्रेंड्स, उस कमेंट के अनुसार ही मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्लास 1 से 5 तक मैं करवाऊंगा, क्लास 7 का कंप्लीट करवाने के बाद, और बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं कॉमन मैथ के कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0.3 × 0.3 माइनस इतना बराबर में इतना। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, तो क्या मैं आपको उस फॉर्मूला से बताऊँ, चलिए मैं इस मैथ को आपको दो तरीके से बताता हूँ, कितने, दो तरीके से। पहले आप नॉर्मल तरीके से सीख लीजिए, जैसे मैंने आपको अभी गुना करना सिखाया था, पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है, तीन तीन नौ हो गया ना, नौ,
और कुछ तो है नहीं, दो अंक यहाँ पर है, तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है और एक अंक यहाँ पर, यानी दो अंक हो गया। यानी हमको दो अंक के पहले क्या करना, दशमलव को बैठाना पड़ेगा, तो एक ये हो गया और एक यहाँ हो गया, दो अंक, ठीक है। माइनस, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए दो अंक है, दो दूनी चार हो गया ये, तो कितना हो जाएगा 0.04, और नीचे में क्या है घटाने पर 0.1 आ जाएगा, ठीक है। घटाई कितना आता है, तो घटाने पे कितना आ रहा है 0.05 हो गया, नीचे में 0.1। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए फ्रेंड, मैंने आपको सिखाया था कि जब नीचे में दशमलव काटेंगे तो ऊपर में क्या लिखेंगे 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक दिया हुआ है, और यहाँ पे देखे जब काटेंगे तो यहाँ पे कितना अंक दिया, देखिए दो अंक दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे 100। अब यहाँ से ये भी कट गया तो क्या बचा, से 5/5 कितना हो गया, देखिए 10 हो गया, यानी 0.5 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका, 0.5 आएगा। अच्छा देखिए सेकेंड मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको क्या बताना चाह रहा था, देखिए ये अगर आपने ये फॉर्मूला सीखा है, कौन सा फॉर्मूला, a²-b² का, तो आप ये कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि a²-b² का फॉर्मूला होता है क्या है। तो इसका फॉर्मूला देखिए ये होता है a+b (a-b), क्या होता है a+b (a-b), थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या यहाँ पे वो फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर हम इस 0.3 को मान ले a, ठीक है, और 0.2 को मान ले b, क्या मान ले, b मान ले, थोड़ा दिमाग लगाइए, तो क्या ऐसा फॉर्मेट नहीं बन गया ये, तो a into a। अभी मैं आपको घातांक का नियम सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, मतलब कि अभी मतलब क्या कि कल के वीडियो में आपको घातांक का नियम भी मिल जाएगा। तो उस नियम के अनुसार a into a क्या होता है, अगर a को a से गुना करते हैं तो आपको क्या आता है, ये a² आता है, ठीक है। फिर देखिए माइनस, अब जब b को b से गुना करेंगे तो क्या आएगा, b² आएगा, सही बात है। नीचे में क्या देखिए घटा रहे, तो a-b हो गया ना। अब यहाँ पर अगर इस फॉर्मूला को हम तोड़े तो क्या निकल के आएगा, देखिए a+b (a-b), ऊपर में तो यही आएगा इसको तोड़ने पर, और नीचे में क्या a-b है, यानी कि देखिए ये ऊपर नीचे कट जाएगा, कटते ही ऊपर नीचे, तो क्या बच रहा है हमारा वहां पे, सिर्फ a+b बच रहा ना। अब यहाँ पर a किसको माने थे, 0.3 को माने थे प्लस, और b किसको माने थे, 0.2 को माने थे, देखिए जोड़ने पे कितना आ रहा, 0.5 आ गया ना। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला के अनुसार, और ये हो गया आपका जो मैंने अभी अब तक आपको तरीका सिखाया उसके अनुसार। तो अब आप जैसे भी बनाइए, मैंने आपको तरीका सिखा दिया, अब ये समझिए अब ये कैसे बनाएंगे, कितना इजी क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स। अब इसमें आप देखिए, इसको भी दो तरीका है बनाने का, लेकिन इसको मैं आसान तरीके से बताऊंगा, सिर्फ एक तरीके से। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 100 आएगा, तो यहाँ क्या बचा, 5+8+9-7, ठीक है, जोड़िए कितना आता, घटाइए तो 8+5 (13), 13+9 (22) हो गया, 22 में से 7 घटाएं कितना बचेगा, तो 15 × 7 (22) होता है, यानी 15/2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये करिए भाई कितना आता है, देखो 2 0 है, यानी 2 अंक के पहले दशमलव बैठ जाएगा, यानी 0.15 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर निकल के आ जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आया फ्रेंड्स, अगर सच में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे समझ में आ रही है। अब बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिए फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, भाग है, प्लस है, गुना है, तो आप ही बताइए कि पहले किसका काम करते हैं, पहले भाग का काम करते हैं ना, तो पहले इसको भाग दे देते हैं, तो क्या होगा, ये 51.2 को भाग किससे करेंगे, 0.2 से करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस 16 को गुना करना है किससे, 1.2 से, यहाँ पहले भाग दीजिए, देखिए कितना है, यहाँ से ये कटा, कितना बचा ऊपर में 512/2 बचा नीचे में 2 प्लस, यहाँ कितने गुना करने पे कितना आएगा, ये तो 16 × 16 हो गया, और अच्छा चेक कर ही लेते हैं, तो 16 × 32 बचा हाथ में 3, 16 × 3 हो गया 19, यानी कि 19.2 करिए भाग कितना आता, 2 से कटे कितना और 25 × 50 हो गया, 256 × 112 प्लस 19.2। आप सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, आपका ही देखिए ऐसा ही बनेगा, जोड़े कितना आता जोड़ने पर, तो 9 × 6 = 15 हो गया 0.2, और यहाँ पे 5 × 6 = 7 हो गया, और यहाँ पे हो गया 275.2, ये आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो इसे मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। देखिए ना क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको साफ साफ इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन क्या है, 0.4 × 0.04, ठीक है, फिर गुना 0.004
अच्छा थोड़ा छोटा पड़ जाएगा फिर, इसमें भी लगता है, थोड़ा छोटा लिखते हैं और क्या करें। तो देखिए क्या हो गया ये 0.4, 0.004, 0.0004, और यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो और यहाँ पर 3 जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पर भी 1 जीरो, 2 जीरो और यहाँ भी 3 जीरो। अब अभी बताइए फ्रेंड्स, क्या आपको देख के ये डर लग रहा है? लग रहा है ना डर? चुटकी में आपका डर मैं दूर करता हूँ। तो यहाँ देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम लोग इस दशमलव को इससे हटा सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद दो अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद दो अंक है, तो इसको भी हटा सकते हैं। यहाँ भी देखिए 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, तो हटा सकते हैं, कहीं भी कोई जीरो देने की जरूरत नहीं। यहाँ भी हटा सकते हैं क्योंकि सेम सेम है, तो क्या होगा, ऊपर नीचे कट भी जाएगा ना। तो ऊपर में देखिए क्या बचा, ये 4 बचा, ऊपर में सिर्फ देखिए 4 ही बच रहा है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। नीचे में क्या बच रहा है, सिर्फ देखिए 2 ही बच रहा है, बच रहा है ना। अब काटिए गुना कीजिए, हो गया देखिए 2 से 2 कटा, यहाँ से ये कटा, यहाँ से देखिए ये कटा, तो कितना बचा, 2 4 6 16 इसका आंसर हो गया। देख रहे हैं, मतलब देखने में लग रहा है कितना मतलब गजब टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जब इसको बना रहे हैं तो कितना मतलब इजी आंसर आ रहा है। ये तो वही बात हो गया ना, मतलब दूर से देखो तो एकदम अजीब से दिखाई दे, लेकिन सामने जाकर देखो तो चूहा का बिल है वो। ठीक है, अब बढ़ते अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ, बस 2 लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद फिर वीडियो समाप्त। और ये आपका फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन था ना, उसका मैं टाइप अभी आपको मैंने सिखा दिया, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। ये क्या है, 25.5 1 2 1 1। वाह, मतलब क्या बोलो, करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे क्या है 25.5, पर इसको उतार लेते हैं 0.1 0.2 0.1, और यहाँ पे भी क्या 0.0001। सबसे पहले काम क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि दशमलव को हटा करके नंबर को देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो 255 आएगा ना। यहाँ पे क्या आया देखिए, 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, मतलब कि पहले दशमलव को हटा करके गुना कर देना है, सिंपल सी काम। तो कितना है गुना करने पे, मात्र 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कितना, 2 5 10 हो गया, 2 5 10 एक 11 हो गया, 4 1 5, यानी 510 आ रहा है गुना करने पे। थोड़ा हट के लिखते हैं 510 हो गया आंसर। अब देखिए क्या करना, अब देखिए इसमें क्या करना है, कितना अंक के पहले हमको दशमलव बैठाना पड़ेगा, थोड़ा वो भी काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के पहले, यानी 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका आंसर। अगर मैं अभी, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, तो आप अपने टीचर को जाकर दिखाइएगा ये वाला मेथड कि सही है या गलत है, फिर आप मुझे आके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सो आइए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का बताया वो जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ कल, और कल मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या, घातांक के नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है कि अर्चना मैथ में जितना भी मैथ दिया हुआ है ना, वो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके हर एक क्लास ऑफ व्यू से। और अब जिसका भी व्यू ले लीजिए, एक बात और कि मैं आपको सिर्फ टाइप सिखाऊंगा, उस टाइप के आधार पर जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं बनता प्रैक्टिस करने के दौरान, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वही वीडियो आपको बनाकर दूंगा, लेकिन आपका काम क्या है, प्रैक्टिस करना और मेहनत करना, बाकी मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, सो राधे राधे फ्रेंड्स।